Hello everyone. This year I have come up with again diya holders which we did with the coconut covers, and last year also we did like this. I painted with the my kids, my elder one painted with the acrylic paint, and the younger one did the other fine motor job with this sparks and glitters and sparks spark paper, glitter paper. So we use the waste materials. गिफ्ट रैप के जो पेपर्स होते हैं उसको हमने स्टिक किया था, एंड जो भी हमारे पास जो भी ग्लिटर बचे थे क्राफ्ट मटेरियल के वो हमने यूज़ किए थे. सो दिस इज़ हाउ आई हैव शोन यू फॉर द डेमो. आई हैव लाइटेड अप अ कैंडल इन इनसाइड दिस. दिस इज दिस विल लुक लाइक दिस एट नाइट. अभी आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा खाली खाली, बट जब व्हेन यू पुट अप द लाइट इन दिस इट विल लुक लाइक दिस. ये ऐसे लगेगा अच्छा सा. दिस ईयर व्हाट वी डिड वाज, इस साल हमने पहले इसने मेरे बेटे ने बड़े वाले ने इसको एक्रेलिक पेंट से पेंट किया, उसके बाद हमने पूरा इसको ग्लिटर से कम्प्लीटली दिस टाइम वी डिड ओनली विद ऑल कलर्स ग्लिटर हमने यूज़ किया. एंड द नेक्स्ट वन इज़ वी डिड वॉल हैंगिंग. वॉल हैंगिंग के लिए ये मैंने पुराना बैंगल यूज़ किया, तो उसमें माय सन आई डिड द रैपिंग ऑफ दिस थिंग. वो एक्चुअली लर्न किया इसने, उसके लिए बहुत अच्छा हैंड फंक्शनिंग एक्टिविटी था. ये जो स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा, ये स्पार्किंग ये करके पूछोगे तो मिल जाएगा, स्ट्रिंग करके पूछोगे तो मिलेगा ये रैप करने के लिए. एंड देन आई यूज्ड पॉम पॉम्स एंड जो जो भी मेरे पास ये एक्स्ट्रा मटेरियल थे यूज़ किया. ऐसे जो जो भी ब्रेसलेट बनाने के लिए मेरे लाए हुए थे, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसमें जो जो भी बीड्स थे वो किया है. कम्प्लीट फाइन मोटर एक्टिविटी फॉर द किड्स. तो एंड ऑल्सो हैव डन विद द बैंगल. ये वेस्ट बैंगल था, उसमें मैंने ये रैप करा दिया इनसे, तो इट वॉज़ अ गुड हैंड फंक्शनिंग एक्टिविटी. सो एंड अनदर वन वॉज दिस. इसका ये एक्चुअल में ये जो प्लेट है, दिस अर्दन पॉट का कैप था. वी बाय बिरयानीज, तो बिरयानी का जो पॉट आता है अर्दन पॉट में हमको मिलता है बिरयानी, तो उसमें कवर ये होता है. तो आई यूज्ड दीज टू प्लेट्स लाइक दैट, एंड इसको हमने गोल्डन एक्रेलिक कलर से पेंट किया. ये भी मेरे बेटे ने किया है, मेरे बड़े वाले ने किया. उसके ऊपर ये जो स्पार्क्स है ये मेरे छोटे वाले के लिए फाइन मोटर एक्टिविटी था. इट वाज अ वेरी इजी वन. बहुत अच्छा लगा इन दोनों को, बहुत अच्छे से किया इन दोनों ने. एंड देन द अदर वन वाज, ये हमको बिरयानी के साथ ये मिलता है, ये गर्म करने के लिए ये मिलता है. तो उसके अंदर वी गेट दीज वाइट कैंडल्स, इसके अंदर हमको ये मिलता है यूजुअली दम बिरयानी, जब फिर से उसको गर्म करने के लिए ये देते हैं वो लोग चूल्हा करके. तो वी हैड ऑल, ये मेरे पास एक्स्ट्रास थे तो मैंने ये यूज़ किया. इसको हमने पहले एक्रेलिक पेंट से पेंट किया, काफ़ी इसमें काम किया हमने पूरा. इस मेरे बेटे को थोड़ा सा मैंने सिखाया, मैं इसमें परफेक्शन पे नहीं गई हूँ, दिस इज़ फॉर माई हाउस होल्ड यूज़. तो मैं मेरे बच्चे को सिखाना था मुझे, तो वो स्ट्रेट पेंटिंग्स तो कर लेता था, ये ऐसे वाले सब उसको सिखाने थे. इट डजेंट लुक दैट परफेक्ट, बट जो भी है मेरे बच्चे का 90% काम है, तो इसीलिए दिस इज़ द मोस्ट प्रेशियस वन. तो इसके ऊपर भी हमने ऐसे ये यहाँ पे फिर फेविकॉल डाल के उसके ऊपर सारे जो जो भी ग्लिटर्स बचे थे हमारे उसको यूज़ किया, ये सब स्टार्स, गोल्डन स्टार्स ये सब डाला. तो दिस आई एम जस्ट यूजिंग फॉर द डेमो. देखिए इट्स स्पार्कलिंग लाइक एनीथिंग, बहुत अच्छा लग रहा है. इसके अंदर भी आप लोग जो ऐसे दिए होते हैं डिज़ाइनर दिए भी रख सकते हो ऐसे. ये मेरा नहीं है, दिस वी हैव नॉट डन, दिस इज़ द रेडीमेड वन. बट ये जो है इसके अंदर आप ऐसे रख सकते हो, डोर के पास रखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. तो या फिर यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो, बिकॉज ये पूरा यहाँ पे गोल्डन इसमें से पेंट किया हुआ है ये एक्रेलिक पेंट से, एंड देन स्पार्क्स आर देयर. तो जब भी ये लाइट अप होगा तो बहुत अच्छा लगेगा. होप दिस विल हेल्प यू टू हैव अ आई मीन व्हाट
colorful and completely Diwali with all the delightful Diwali. Okay, ये मेरे बच्चों का काम शायद आपको भी help करे करके. All we have done with the whatever the waste materials we had, ये जो जो भी मैंने sparks use किए हैं बस इसको मैं लेके आई हूँ बाहर से, वो छोड़ के आई हैव यूज्ड बेसिक मिनिमल अवेलेबल मटीरियल एट होम. हैव अ हैप्पीएस्ट दिवाली. हैप्पी दिवाली एवरीवन.